तुम्हारे सांप को पनीर में मिठास बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बचपन से ही पनीर तीखी पसंद करता है। मैम, आप मुझे पहले बता देती तो मैं बना देती। माँ के हाथ का खाना बताने से थोड़े ही बनता है, उसे खुद ही बनाना पड़ता है। वो जूस आना। तुम लोग जाओ, यहाँ का काम हो गया है। मुझे बुला लिया होता, आप अकेले। कोई बात नहीं बेटी, बेटी बोल सकती हूँ ना। देखो सारी तैयारी हो गई है, ये रही रोटी सब्जी, ये सलाद, ये जूस है, और ये रही उसकी सबसे फेवरेट पनीर की सब्जी। मधु, उसे कहना मत था मैंने खाना बनाया है, नहीं तो वो खाने को छुएगा नहीं। कह देना कुक ने बनाया। हाँ, और ये रहा तुम्हारा टिफिन। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, खुद भी खाना और दो दो घंटे के बाद ऋषभ को भी खिलाना, वरना उसे एसिडिटी हो जाती है। कैसी अजीब माँ हूं मैं, अपने ही बेटे को अपने ही हाथ से बना हुआ खाना चोरी छुपे खिलाने की कोशिश कर रही हूं। मेरे उस फैसले ने मेरे बेटे को मुझसे बहुत बहुत दूर कर दिया। उम्र से पहले ही बड़ा हो गया मेरा ऋषभ, ना ही वो अपने पिता की मौत से उभर पाया, ना ही मेरे दूसरे शादी को अपना पाया। पर क्या करूं, मैं भी मजबूर थी, डर गई थी। अकेले कैसे उस 12 साल के बच्चे को पालूंगी? पर जानती हो, इतने सालों बाद उसने अपने उस जिंदगी में किसी को दाखिल होने की इजाजत दी है, और वो तुम हो मधुबाला। हो सके तो उसका ख्याल रखना। मुझे सजा देने के लिए उसने अपने से मुझे दूर किया, और तुझे सजा देने के लिए उसने तुझे करीब कर लिया। वो खुद नहीं जानता कि उसे उसकी जिंदगी में किसी अपने की कितनी जरूरत है। जरूरत तो इस घर को है, डिसिप्लिन की। बीवी, मिट्टू जी, जी सभी नौकरों को बुलाइए। अरे भाई कहाँ है सब, आ जाओ। जी सर। बरसों पुरानी खुशबू इन डब्बों में कैद है, जैसे कोई जिन किसी बोतल में। बिट्टू जी, जी
इस खाने को भिखारियों को बंटवा दीजिए और उनसे कहिएगा कि ये खाना बहुत प्यार से, लाड़ से, दुलार से आरके की माँ ने बनाया है। आरके की तरफ से उन्हें पार्टी। बिट्टू जी, हम नौकरों को बोनस कब देते हैं? चीफ, अमूमन होली, दिवाली, दशहरा त्योहारों पर ही दी जाती है। तो फिर इस नौकर को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? क्यों की जा रही है फिजूल खर्ची इस पर, इस खास नौकर नंबर 9 पर? अब अगर किटी पार्टी खत्म हो गई हो तो हम शूटिंग पर जा सकते हैं। 60 सेकंड है तुम्हारे पास, रोज रोज में एक ही डायलॉग नहीं बोल सकता। पद्मनी बहन, आप दुकान पर आई नहीं तो मैंने सोचा कि आपका महीने भर का राशन मैं ही पहुंचा दूं। वो क्या है ना कि पिछले महीने का हिसाब भी तो पूरा करना था, तो मैंने कहा कि सामान भी दे आऊंगा और अपना पिछले महीने का मैं हिसाब भी पूरा कर लूंगा। केतन भाई, मुझे एक आध महीने की मोहलत दीजिए ना, इस वक्त मेरे हाथ बहुत बंधे हुए हैं। पद्मनी की मोहलत? पद्मनी बहन, ये महीने महीने की बात जुबान पर मत लाओ। अरे भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 रोज का ही मोहलत दे सकता हूँ। सिर्फ आपकी ही मजबूरी नहीं हो गए है पद्मनी बहन, हमारी भी मजबूरी हो गए है। पद्मनी बहन, तीसरे दिन अगर आप हमारी दुकान पर आकर हिसाब नहीं की तो मैं खुद ही चलाऊंगा आपके घर पर। चलता हूँ। जय गोपाल जी। हाँ, 2 बजे की शिफ्ट है फिल्म सिटी में, 25 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तुम आ जाना, ठीक है? सुधाकर भाई साहब। हाँ भाभी, बोलिए। जल्द से जल्द मुझे कोई काम दिलाइए ना, कुछ भी काम चलेगा, स्टूडियो में, शूटिंग पर, कुछ भी। आपको जूनियर आर्टिस्ट का काम छोड़े तकरीबन 8 साल हो गए, थोड़ी मुश्किल हो। कोई बात नहीं सुधाकर भाई साहब, मैं कर लूंगी। इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। जब मैं मुंबई में नहीं आई थी, जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, उस वक्त मुझे फिल्म लाइन ने सहारा दी और आज भी मुझे फिल्म लाइन ही सहारा देगी। मधु और मल्ली की कमाई बंद होने के कारण घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। रोज के खर्च निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप कुछ बंदोबस्त कीजिए ना। ठीक है भाभी, मैं आज 2 बजे की शिफ्ट में ही आपके लिए कुछ काम निकलवाता हूँ। हो गया। रुको, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी तुम तो जाने लगी, बाकी काम कौन करेगा? मेरा पेडिक्योर? डायरेक्टर पहला शॉट मेरे पैरों को लगा रहा है। चलो। तुम्हारे ये चेहरे पे हमेशा क्वेश्चन मार्क क्यों होता है? सिंपल लैंग्वेज नहीं समझती?
चलो। चॉइस तुम्हारी है, राइट या लेफ्ट। वैसे भी बीवियों को अपने पति के दोनों पैर पसंद होते हैं। वो झुककर अपने पति के दोनों पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। मेरा पेडिक्योर करो, नौकरी की नौकरी और आशीर्वाद भी फ्री। कौन सा गाना सुना रही थी मेरी बातों पे? वही उनका खिसा पिटा पुराना सैड सॉन्ग। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं मैं जो बचपन में अनाथ हो गया। कईयों की मां ने बाप के मरने के बाद दूसरी शादी की है, मेरी मां ने भी की, तो इसमें नई बात क्या है? इसलिए मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। जानवर समझती हो ना मुझे? जानवर ही समझना। आउट। निकाले जा रही हो? पॉलिश करवाने। शॉट रेडी है ना? मधु जी,